दिवाली के बाद भी दिल्ली एनसीआर में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पर पलवल की आबोहवा भी खराब हो रही है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर के लोगों से बात की हमारे संवाददाता दिनेश कुमार ने। दिवाली के बाद भी दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के कई जिलों में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में 400 से एक्यूआई ऊपर चल रही है और बात करें एनसीआर में भी 400 से ऊपर एक्यूआई है। बात करें पलवल की तो पलवल में 200 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है। फिलहाल हम मौजूद है पलवल के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में। आप यहाँ देख सकते हैं प्रदूषण किस तरह से दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। जो धुंध जैसा दिख रहा है ये कहीं ना कहीं प्रदूषण है, क्योंकि पलवल जिले में अभी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, उनसे निकलने वाली जो धूल है वो प्रदूषण को बढ़ाती है। और जो है हाईवे के साथ पड़ी हुई मिट्टी जो हाईवे की स्पीड से उड़ती है वो भी कहीं ना कहीं जो धूल बनकर जो प्रदूषण को बढ़ा रही है। और जो है कंस्ट्रक्शन जो चल रहे हैं उससे धूल निकलने वाली है, और साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी कहीं ना कहीं प्रदूषण को बढ़ा रहा है। और प्रदूषण की वजह से लोगों की आंखों में जलन होती है, गले के मरीज हैं उनको दिक्कतें होती है, जो सांस के मरीज हैं उनको दिक्कतें होती हैं। डॉक्टर की यही राय है कि दमे के मरीज, सांस के मरीज और गले के जो रोगी हैं वो घरों से बाहर ना निकलें, और जरूरत पड़े तो मास्क का प्रयोग करें और घर से बाहर निकले। हमारे साथ यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में लोग सैर करने के लिए आए हैं, जितेंद्र जी मौजूद हैं। जितेंद्र चौहान साहब, किस तरह से ये प्रदूषण बढ़ रहा है और क्या इसके कारण है, किस तरह से समाधान किया जा सकता है? जी हाँ जी, पलवल का पॉल्यूशन 192 के करीबन आज टच कर गया है, जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, बट जो सबसे मेजर पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो PM10 का है। PM10 क्या चीज़ है, पार्टिकुलेट मीटर 10 क्या चीज़ है, ये माइक्रोन्स में एक डस्ट के थिकनेस को मेजर किया जाता है। तो जैसे हम करते हैं कि बालों की बात है, जो हमारे बाल हैं वो एक पतला सा बाल 50 से 70 माइक्रोन के करीबन होता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 10 माइक्रोन कितना छोटा होता है। वो हमारे नाक के बालों से भी निकल जाता है, नाक के बालों को मोस्ट डस्ट फिल्टर कर लेता है, बट नाक के बालों से भी निकल के वो हमारे लंग्स में चला जाता है और पूरे हमारे लंग्स को आगे हमें कैंसर भी हो सकता है। तो हम बात करें कि भाई इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। कंट्रोल करने के जो मैकेनिज्म है, हम एक टेरी ने एक रिपोर्ट निकाली तो उसमें उन्होंने दिखाया कि भाई कैसे कैसे क्या क्या फैक्टर्स हैं कंट्रोल करने के लिए और क्या क्या कर सकता है। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइन है कि इनको अगर फॉलो करें तो वो चीज़ें कम हो सकती है। जैसे हम बात करें, रोड एंड कंस्ट्रक्शन एक मेजर फैक्टर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वैक्यूम क्लीनिंग ऑफ रोड्स करें तो उससे 25% से 50% तक अगर 3-4 साल में कम हो सकता है। वॉल टू वॉल पेविंग की जाए रोड्स की, रोड्स के साथ में हम देखें नेशनल हाईवे पे NH-44 में यहाँ पे मिट्टी भरी हुई है साथ में, तो उसको मिट्टी की जगह पक्का पेमेंट किया जाए या घास लगाई जाए उधर। कंट्रोल ऑफ डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बैरियर्स एंड फॉगिंग, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और इसका एसेंशियल पार्ट एक ये है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक म्यूनसिपलिटी के अंदर होता है, वो हम इफेक्टिव किया जाए, कूड़ा इफेक्टिव उठाया जाए, और जो मॉपिंग है सड़क की वो हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीन्स स्वीपर्स जो आते हैं, जिसमें इंदौर ने एक सराहनीय कदम उठाया है, उस तरह से हम करें जिला प्रशासन और जनता की भागीदारी के साथ। और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम सारी चीज़ें अगर हम सोचें कि एडमिनिस्ट्रेशन करेगा तो पॉसिबल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन चार पिलर्स हैं इसमें, प्रेस का इंपॉर्टेंट रोल है और एडमिनिस्ट्रेशन है, एक विलिंग नेता है, एक जागरूक जनता है और सफाई कर्मचारी हैं। तो ये चार लोग इकट्ठे करेंगे तभी हो पाएगा। अगर हम खाली ये छोड़ दें कि भाई पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, जलन हो रही है, सारी चीज़ हम एडमिनिस्ट्रेशन पे ब्लेम कर दें, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अकेले की बस की कहीं भी दुनिया में नहीं है। जब तक चारों लोग इकट्ठे नहीं होंगे नहीं हो पाएगा। पर एक ज़रूरत है एक विजन की, और एक मनीष सिंह जो है, जैसे इंदौर में एक मनीष सिंह थे, म्यूनसिपल कमिश्नर थे और DC थे, उन्होंने सहारा लिया और उन्होंने पूरे इंडिया को दिखा दिया कि एक शहर क्या कर सकता है। तो हमारे भी एक डिप्टी कमिश्नर हैं, बहुत लायक हैं, शायद वो भी ऐसा करने की जरूरत है, पलवल को भी ऐसा करने की जरूरत है, उनके फॉलो करें। और सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है, नेचर क्या क्या स्टेप्स करने हैं वो अवेलेबल हैं, जरूरत है एक इम्प्लीमेंटेशन की और एक विजन की। ये थे हमारे साथ जितेंद्र चौहान, जिन्होंने बारीकी से बताया थी कि किस तरह से बढ़ते हुए प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इंदौर का उन्होंने उदाहरण दिया कि वहाँ जिला प्रशासन और जनता ने और सफाई कर्मचारियों ने आम भागीदारी निभाई, एक साथ मिलकर साथ चले, और प्रेस ने भी लोगों को वहाँ जागरूक किया और बढ़ते हुए प्रदूषण को, साफ सफाई को वहाँ पर ठीक करने का काम किया। इसी तरह पलवल में भी ऐसा करने की जरूरत है, जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो लोग GRAP 4 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि जो बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सके और एक स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ जो पॉल्यूशन जो लोगों को मिल सके। पलवल से दिनेश कुमार, टोटल TV।